मार्च की गर्मियों के साथ ही नवी मुंबई परिक्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत होने लगी है। सबसे अधिक मुसीबत सिडको जोन में है, जिसके समाधान के लिए सिडको MD संजीव मुखर्जी ने नवी मुंबई मनपा, MJP और MIDC को तत्काल पानी सप्लाई का पुनर्नियोजन करने का निर्देश दिया है। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई के सिडको जोन में पानी की किल्लत से निजात दिलाने सिडको MD डॉक्टर संजय मुखर्जी ने बड़ी पहल करते हुए MJP, MIDC और नवी मुंबई एवं महानगर पालिका को तत्काल नियोजन करने और किल्लत वाले इलाकों में जलापूर्ति को बहाल करने का निर्देश दिया है। बताना जरूरी है कि मार्च की शुरुआत से ही खारगढ़, तलोजा, कलमबोली, कामोठे और पनवेल जैसे सिडको जोन में पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। लोगों को कई दिनों तक पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि जरूरत और पूर्व करार के मुताबिक NMMC से खारगढ़ नोड के लिए 15 MLD पानी मिलना तय हुआ था, लेकिन सप्लाई सिर्फ 8 MLD हो रही है। इसी तरह MIDC द्वारा तलोजा नोड को 10 MLD पानी देना तय हुआ है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 7 MLD हो रही है। सिडको MD संजय मुखर्जी ने प्राधिकरणों को उनका वादा याद दिलाते हुए नियमित वाटर सप्लाई करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।